सो दोस्तों 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है। अब 5G स्मार्टफोन्स की सेल बढ़ेगी और 5G स्मार्टफोन का सबसे बेसिक जो प्राइस पॉइंट है वो है 15,000 रुपए, यानी कि सबसे ज्यादा डिमांड 15,000 से 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के आसपास देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं 15,000 रुपए के नीचे नीचे आने वाले बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स को, जिनमें आपको डेडिकेटेड 5G फीचर्स मिल जाएंगे, यानी कि 12 से 13 5G बैंड्स का सपोर्ट, जिन्हें देख के आप एक ही बात बोलोगे, माँ मुझे कुछ दिखाइए जरा माँ। और वह ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको गेमिंग स्मार्टफोन्स वगैरह अवॉइड करके खाली 5G पे ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन से वो स्मार्टफोन्स है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको अपने लिए एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन मिल जाए। तो भाई हमारे लिस्ट का फर्स्ट जो स्मार्टफोन आता है वो आता है रियलमी की तरफ से, जो रियलमी 8i का अपग्रेडेड वर्जन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं स्मार्टफोन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 5G चिपसेट मिल जाएगा, जिसके साथ आपको 8 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन में 5G को एक अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर पाओगे। स्मार्टफोन की डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो 6.6 इंच की IPS डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगी, जिसपे आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट एंड 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाएगी, जिससे आपकी डिस्प्ले भी वेरी स्मूथली रन करेगी। कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं तो 50+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाएगा, जिससे आप मैक्सिमम फुल HD वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे, और साथ ही मिल जाएगा सेल्फी में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और वहीं अगर मैं बात करूं बैटरी लाइफ की तो इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी, जिसको चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इन द बॉक्स मिल जाएगा। स्मार्टफोन का 4GB रैम एंड 64GB रोम वाला वेरियंट आपको 15,000 रुपये के नीचे नीचे मिल जाएगा, और इस स्मार्टफोन का जो नाम है वो है रियलमी 9i। फॉर प्राइसिंग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट करके बाय भी कर सकते हो। हमारा अगला जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से। अगर आपको 15,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में एक नॉन चाइनीज 5G स्मार्टफोन चाहिए तो इस स्मार्टफोन से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। स्मार्टफोन के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगी, जिसपे आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन के कॉन्फ़िगरेशन की तो इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 चिपसेट मिल जाएगा, जो 7nm के फैब्रिकेशन पे वर्क करेगा, और इस स्मार्टफोन में आपको 11 5G बैंड्स का सपोर्ट देने को मिल जाएगा। 50+2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाता है, जिससे आप मैक्सिमम फुल HD वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। साथ ही मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का एक एवरेज सेल्फी कैमरा, तो भाई कैमरा सेटअप से आप एक एवरेज क्वालिटी की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर पाओगे। 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी, जिसको चार्ज करने के लिए 15W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इन द बॉक्स मिल जाएगा, और साथ ही आपको साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4GB रैम एंड 64GB रोम वाला वेरियंट मिल जाएगा, जो आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन के साथ मिलता है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन के प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग M13। फॉर प्राइसिंग आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के फर्स्ट एंड फाइनल स्मार्टफोन की तरफ, जो आता है रेडमी की तरफ से। और भाई इस स्मार्टफोन का हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर होने का कारण यही है कि इसमें आपको 12 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 5G चिपसेट मिल जाएगा, जो 7nm के फैब्रिकेशन पे वर्क करता है, और ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 12 के साथ मिलता है, जिससे आप प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक अच्छी खासी मल्टीटास्किंग और गेमिंग भी कर पाओगे। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो 6.5 इंचेस की IPS डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगी, जिसपे आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 50+2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाएगा, और साथ मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का एक एवरेज सेल्फी कैमरा, जिससे आप एक नॉर्मल क्वालिटी की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर पाओगे। बैटरी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी, इसको चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इन द बॉक्स मिल जाएगा। सिक्योरिटी पर्पज के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड 4GB रैम एंड 64GB रोम वाला वेरियंट आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन के प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन का नाम है रेडमी 11 प्राइम। फॉर प्राइसिंग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट करके बाय भी कर सकते हो। तो भाई ये थी आज के हमारे टॉप 3 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर ₹15,000। भाई मेरा सजेशन तो यही कि आपको रेडमी का 11 प्राइम देखना चाहिए, और अगर आपको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी चाहिए तो रियलमी का 9i देख सकते हो।